एमएस वर्ड में आपका मनपसंद का ड्राइंग आप कैसे बना सकते हैं। कुछ इस तरीके का ड्राइंग मैंने यहाँ पर एमएस वर्ड के ऊपर बनाए हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने न्यू पेज ओपन कर लेंगे। यहाँ पर न्यू ब्लैंक पेज एक ओपन कर लेते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से यहाँ पर बनाया जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे जो यहाँ पर जो पिक्चर की बात है, तो यहाँ पर मैंने PNG इस्तेमाल कर रहे हैं, PNG पिक्चर का। तो आप इस तरीके का PNG इमेज यहाँ पर आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। यहाँ पर सब तरीके का इमेज यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आपको इस तरीके का इमेज PNG जो है यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट काम जो है आपको यहाँ पर आ जाना है एमएस पेंट के ऊपर, ठीक है। तो एमएस पेंट के ऊपर आने के बाद यहाँ पर जो ये जो एक ही बैकग्राउंड जो है, ये बैकग्राउंड आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगा, इसको आपको यहाँ पर PNG यहाँ पर बनाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है और कुछ इस तरीके का मैंने कैनवास साइज ले लेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो कलर जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसमें जाएंगे और इस कलर को थोड़ा सा मैंने ज़्यादा कर लेंगे, इसको ओके कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इस जो लाइन है यहाँ से मैंने खींचना स्टार्ट करेंगे, कुछ नीचे से और कुछ इस ऊपर से, कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसको बाहर कर देना है और इसको भी बाहर रहेगा। अब इससे इसको कलर कर देना है कुछ इस तरीके से। रीसाइज ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर पिक्सल को चूज़ करेंगे, इसमें 552 रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये नंबर याद रखिएगा 987, ठीक है, 987। इसमें जाने के बाद मैंने 552 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। फिर से मैंने इसमें जाएंगे और यहाँ पर इसको हटाएंगे, पिक्सल में जाएंगे और 552 ये रहेगा, इसमें 987 ये लिखना है और यहाँ पर ओके कर देना है। कुछ इस तरीके का कलर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्ट ऑप्शन में आना है, यहाँ पर सिलेक्ट ऑल में क्लिक कर देना है और यहाँ पर आना है आपको, इसको पकड़ के ऊपर में खींचना है तो वाइट का जो है वो आएगा और ऊपर में ये ज़्यादा ऊपर उड़ जाएगा। इस तरीके करने के बाद यहाँ पर आपको जस्ट इसमें क्लिक कर देना है और इसको सेव JPG ऑप्शन में आपको यहाँ पर कुछ भी नाम दे के आप सेव कर लीजिए। जैसे मैंने 15 लिख देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर दिखाते हैं, ये देखिए ये सेव हो चुका है, दूसरा ये पहले से था, यहाँ पर मैंने पास दूसरा आ चुका है, ठीक है। तो इसी को मैंने इस्तेमाल करेंगे अभी। तो चलिए यहाँ पर मैंने पेज लेआउट ऑप्शन में जाएंगे, एमएस वर्ड में पेज लेआउट ऑप्शन में यहाँ पर पेज लैंडस्केप ऑप्शन में क्लिक कर देंगे, ओरिएंटेशन ऑप्शन में लैंडस्केप कर दिए हैं। साइज में जाएंगे, A4 साइज चूज कर लेंगे। A4 साइज चूज करने के बाद यहाँ पर उस पिक्चर को मैंने यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस पिक्चर को मैंने इंसर्ट कर देना है इसमें और इसको थोड़ा सा ऊपर में करना है। देखिए वर्ड टेक्स्ट में जाइए, यहाँ पर इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट में क्लिक कीजिए तो ये कुछ इस तरीके से कोना में चला जाएगा। आप इसको कुछ इस तरीके से इसको सेट कर लीजिए। नीचे आप पोर्शन जो है वाइट रहने दीजिए, आप चाहे तो और थोड़ा नीचे खींच सकते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसा ही रहने दीजिए, ऊपर में भी ले जा सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट में क्या करना है, इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे और यहाँ पर मैंने दूसरा पिक्चर जो है यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये जो पिक्चर है सन का, ये इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सन का पिक्चर इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर आ चुका है लेकिन नहीं दिख रहा है, आपको वर्ड टेक्स्ट में जाना है, इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट करना है तो ये आने लगेगा, दिखने लगेगा। तो यहाँ पर आ चुका है, कुछ इस तरीके से यहाँ रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर फिर से मैंने इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, सारे पिक्चर ऐड कर लेना है आपको धीरे धीरे। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस ग्रास का जो है इसका इंसर्ट कर लेंगे। ग्रास इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर फिर से वर्ड टेक्स्ट ऑप्शन में जाना है, इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट करना है और ग्रास को आप यहाँ पर रेडी कर सकते हैं, मतलब आप इधर उधर करने के लिए तैयार हैं। तो
इसको खींच के मैंने कुछ इस तरीके से लंबा कर देंगे, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर से मैंने इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे और यहाँ पर इस ट्री को यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पर इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट करेंगे, ट्री को दिखने लगेगा। इसके बाद इसे यहाँ पर रख देंगे ट्री को, कुछ इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट में फिर से मैंने पिक्चर में जाएंगे और यहाँ पर जो ये बड़ा वाला ग्रास है इसको मैंने इंसर्ट कर देंगे और यहाँ पर इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट में क्लिक करेंगे। इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इसको भी लंबा कर लेना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट में क्या करना है, पिक्चर लेना है और यहाँ पर जो है ये जो है पीएनजी इमेज ये रखे हैं मैंने, इसको यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको फिर से इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट में जाना है, इसमें आना है और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इसको सेंड टू बैक साइड कर देंगे तो ये अंदर में चला जाएगा और कुछ इस तरीके से रखेंगे। तो ये पिक्चर लगभग रेडी हो चुका है। आप इंसर्ट ऑप्शन में जाइए, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में जाना है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इसमें इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर शेप आउटलाइन में जाएंगे, नो आउटलाइन में क्लिक करेंगे और शेप फिल में जाएंगे, यहाँ पर नो फिल कर देंगे। यहाँ पर 15 अगस्त लिखना है, कॉमा देंगे, मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया है 15 अगस्त 2024। इसको होम टैब में जाएंगे, इसको साइज को बढ़ा लेंगे, कुछ इस तरीके से बढ़ा लिए हैं। आप इसमें जाना है क्लिप आर्ट्स में, यहाँ पर आपका मनपसंद का यहाँ पर जो है आप टेक्स्ट स्टाइल सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको इसको ले जाना है इस तरीके से। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपको कलर जो है चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए फॉन्ट मेन पे जाएंगे, इसमें वाइट में क्लिक करेंगे तो ये वाइट हो जाएगा। आप नीचे में आपका मनपसंद का जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं, नीचे भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसको प्रिंट प्रीव्यू में देके आपको दिखाते हैं, इसमें कंट्रोल पी दबाएंगे तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। तब देख सकते हैं ये पिक्चर कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा दिखने में लग रहा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल में ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसा ही वीडियोज़ पाने के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।